यूपी के देवरिया जिले के बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रविवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने नकल मुक्त परीक्षा कराने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा बसपा के गठबंधन के साथ कांग्रेस भी आ जाती तो उन्हें हराने में और मजा आता। कुछ लोग अभी तक बंदर राशन का लेकर लगाऊंगा उनके राशन का, अगर पकड़े गए नकल कराने में संलग्न लोग पकड़े गए। और ये ध्यान ले लेखक लोग कि किसी के जगह पर दूसरा विद्यार्थी हमारा नकल नहीं करता। ये जो धंधा करने वाले लोग हैं अगर कहीं पर बैठा ले गए तो जेल जाएंगे और पकड़े जाएंगे, क्योंकि ऐसी सूची बनी हुई है। बंधन हो जाए, ये जो छुपा लुका छुपी का खेल खेलते थे ना कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी होता था तो सपा और बसपा बीजेपी का वोट काटने वाला प्रत्याशी खड़ा करते थे, सपा का होता था तो बसपा और कांग्रेस वोट काटने वाला प्रत्याशी खड़ा करते थे। ये छुप छुप कर जो खेल खेलते थे, जब ये खुल्लम खुल्ला खेल खेलेंगे ना मिलकर, तब हराने में हिमाचल और उत्तराखंड की तरीके से आसानी ज्यादा होगी।